welcome to this. बीजेपी नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो स्वामी चिन्मयानंद का है, जो एक लड़की से मसाज करवा रहे हैं। एनएमएफ न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में एक अधेड़ उम्र का शख्स लड़की से न्यूड होकर मसाज करवा रहा है। इस वीडियो पर 31 जनवरी 2014 की तारीख प्रिंट है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति स्वामी चिन्मयानंद ही हैं। पीछे मंत्र की भी आवाज आ रही है। हालांकि एनएमएफ न्यूज इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो चश्मे में लगे खुफिया कैमरे से बनाया गया है। आइए जानते हैं कि वायरल हो रहे इस वीडियो में क्या है। इकतीस जनवरी 2014 को रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो की शुरुआत में एक लड़की एक अधेड़ व्यक्ति के पैरों में मसाज कर रही है। इस दौरान अधेड़ व्यक्ति लड़की से सवाल करता है और लड़की भी जवाब दे रही है। वो कहता है, 6 तारीख के बाद तुम कोर्ट में बैठना शुरू कर दो। लड़की कहती है कि 6 तारीख के बाद ही मिलूंगी, अब तो गिने चुने ही दिन बचे हैं। इस पर अधेड़ व्यक्ति कहता है, तुम घर से कोर्ट जाओ, हॉस्टल बंद कर देंगे, क्या करेंगे जब कोई यहाँ रहेगा नहीं। वीडियो में अधेड़ व्यक्ति युवती के परिवार के बारे में भी बातें करता दिख रहा है। पैरों में मालिश के बाद अधेड़ व्यक्ति न्यूड होकर लेट जाता है और लड़की उसकी मालिश करती है। इस दौरान शुरू में अधेड़ व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा चादर से ढका हुआ है, लेकिन बाद में अधेड़ व्यक्ति पूरी तरह से कपड़े उतार देता है और लड़की से मालिश करवाता है। ये वीडियो किसने बनाया और अब ये कैसे सामने आया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। हालांकि स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की भी मीडिया के सामने आई और खुलकर उसने अपनी बात रखी। कल मैं SIT गई थी, वहाँ मेरे बलात्कार की रिपोर्ट के बारे में मैंने सब कुछ बताया, जो कि मैं 0 FIR दिल्ली में कर चुकी हूँ। उसका मुकदमा अभी UP में नहीं लिखा गया है, शाहजहाँपुर UP में नहीं लिखा गया है। 376 मेरी कायम नहीं करी जा रही है यहाँ शाहजहाँपुर के अंदर। क्या आरोप है चिन्मयानंद पर? उन्होंने मेरा बलात्कार किया है, शारीरिक शोषण 1 साल तक करते आए हैं। बाकी मैं सब वहाँ कल बता चुकी हूँ SIT में। SIT आपसे फिल्म कर रही है, ऐसी बात भी आ रही सामने कि आपसे ज्यादा पूछताछ की जा रही है। देखिए, मेरी जिस लड़की का साल भर शोषण हो गया उसको 11 घंटे बैठा के पूछताछ करी गई है। मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके के सवाल जवाब में, लेकिन जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार किया जाए। मैं इतने दिनों से जान बचाए बचाए घूम रही थी, यहाँ शाहजहाँपुर के DM ने मेरे पापा को धमकी दी कि आप देख लीजिए कि आप किसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। जब आप बाहर थी तो आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं की? UP पुलिस से खतरा है बस, इसलिए मुझे दिल्ली में 0 FIR करवानी पड़ी। दिल्ली में नहीं, राजस्थान में नहीं, तो वहाँ आपने शिकायत क्यों नहीं की पुलिस से? बात करी थी कल कड़ुआ बोर्ड में, वहाँ करी है। क्या कुछ एविडेंस भी आपने सौंपे हैं? एविडेंस सही समय आने पर दे दिए जाएंगे, मेरे पास सब सुरक्षित हैं। हॉस्टल के रूम में मेरा हॉस्टल का रूम खिलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो आपकी मुलाकात हुई थी, तो आपने उनको कुछ एविडेंसेस दिखाए थे, दिए थे? उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। दिल्ली में क्या कुछ शिकायत की आपने? दिल्ली में हुई है, कड़कड़डूमा कोर्ट है वहाँ पे हुई है, 376 की। दिल्ली में कौन से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया? लोधी कॉलोनी है, लोधी कॉलोनी। अच्छा, जो आपके पिताजी ने FIR दर्ज कराई थी अपहरण की, क्या आपने जैसी बात की कोई? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। UP पुलिस आपकी क्यों रिपोर्ट नहीं लिख रही है? न्याय की कितनी उम्मीद है? खुद स्वामी चिन्मयानंद के शब्द हैं कि शाहजहाँपुर मेरा लॉ कॉलेज, हर साल कितने वकील यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, कानून व्यवस्था पूरी उनकी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे शाहजहाँपुर और UP बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा आप लोग यहाँ पे 376 का मुकदमा प्लीज लिखवाइए। क्या वो वीडियो आपने बनाया था या किसी और ने बनाया था आपका, जो आपने वायरल किया था? कौन सा वीडियो? फेसबुक वाला जी। तो मैंने अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए करा था। कुछ और वीडियो भी बाहर आने की बात आ रही है, इसमें कितनी सत्यता है? I don't know anything about this। अच्छा, स्वामी की तरफ से कोई दबाव पड़ रहा है? स्वामी आईडी पर
मेरे पास कोई फोन नहीं है इस टाइम, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना बस इस बारे में। आप लोग इतना करिए कि 376 का मुकदमा इस थाने में करवाइए, 0 FIR का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, आप लोग खुद समझ रहे हैं इस चीज को। मेरे पापा को धमकी दी है यहाँ के DM ने, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है ना। मेरा भागना, मेरी जान बचाना कई हद तक तो सब सही है ना, आप लोग खुद देख रहे हैं इस चीज को। तो ये धमकी वाली नौबत आखिर आई क्यों आपके साथ? मुज्जम, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। आप न्याय की कितनी उम्मीद है आपको? न्याय की कितनी उम्मीद है? स्वामी जी ने आपको कोई धमकी दी है क्या? स्वामी जी ने धमकी दी है? हाँ, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की। स्वामी जी ने जिस दिन एक्सटॉर्शन की FIR करवाई थी उसके अगले ही दिन आपने वीडियो क्यों वायरल किया? पहले भी आप पुलिस के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। कौन सी वीडियो? फेसबुक पर। हाँ तो वो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? स्वामी जी ने जिस दिन FIR करवाई थी एक्सटॉर्शन की उसके नेक्स्ट डे आपका वीडियो आता है। स्वामी जी की कौन सी FIR? कौन सी रंगदारी की? रंगदारी उसकी भी जांच होनी चाहिए, FIR पढ़ी लिखी गई है। हाँ तो आप लोग उसकी भी जांच करवाइए ना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं नॉलेज है, कहाँ से ये सब क्या हो रहा है। आपका 24 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद स्वामी जी के वकील की तरफ से एक एक्सटॉर्शन मनी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया था यहाँ पर के 5 करोड़ रुपए की उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज द्वारा एक फिरौती मांगी गई है। तो क्या वो आरोप आप पर लगा रहे हैं? इस बारे में कितनी जानकारी है आपको? कि जब जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं जन्माष्टमी पे अपने घर नहीं आई थी, फैमिली वाले मेरे बारे में कुछ सोचते कि मेरी लड़की कहाँ गई, क्या हुआ, इसलिए मैंने वो वीडियो वायरल करी अपनी फैमिली की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। संजय सिंह कौन? संजय सिंह कौन है? भाई है मेरा, राजस्थान में थे साथ में। हाँ थे साथ में। क्या लगता है SIT से न्याय मिलेगा? वो तो पर थे। SIT से न्याय मिलने कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए क्योंकि आप लोगों की वजह से तो मैं ढूंढ पाई है ना। ये बताइए कि जैसे वीडियो में आपने कहा था कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, हाँ, और भी इसमें शामिल लड़कियां? बहुत लड़कियां हैं। कितनी हैं? हो सकती मैं अकेली निकली जिसने उनके खिलाफ इतनी हिम्मत जुटाई है कि आवाज उठाई है। कितनी लड़कियां और हैं जो इस तरीके से जो है वो हैरेसमेंट हो रहा है उनका, यौन शोषण? मैं और लड़कियों के बारे में कुछ। अच्छा, एक बड़ा सवाल आ रहा है, कॉलेज और आपके घर के बीच में बहुत कम दूरी है, लेकिन हॉस्टल में रहने की क्या वजह थी? स्वामी जी ने खुद कहा था ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे जॉब करने नहीं गई थी, मैं वहाँ LLM का एडमिशन लेने के लिए गई थी, तो स्वामी जी ने जॉब का ऑफर दिया था, फिर उन्हीं के कहने पर या जो भी है, प्रिंसिपल मेरे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव का काम ज़्यादा डालने लगे थे, तो उनके बहुत अधिक दबाव पर मैंने वहाँ हॉस्टल में रूम लेके डाल दिया था। बाई चांस मुझे रुकना पड़ा उसके साथ, उसके बाद मेरे साथ बहुत गलत हुआ है वहाँ पे। साजिश के तहत आपको किया गया ये सब? हाँ। स्वामी चिन्हन विजय भी बड़े नेता, इसीलिए पुलिस दबाव में काम कर रही है। बस यही मैं कहना चाहती हूं कि अच्छा हुआ आपने कह दिया। संजय सिंह बताते हैं कि SIT को उन्होंने पूछताछ एवं तमाम एविडेंसेस दिए हुए हैं आपसे जुड़े हुए और स्वामी चिन्हन जुड़े हुए, क्या करते हैं यार तुम लोग? अब उन्होंने जो दिए हैं वो उनसे मैं समझे, ठीक है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। DM ने धमकी कब दी थी? मेरे पापा ने मुझे बताया था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जब मैं आ गई थी, उसके अगले दिन पापा आए थे मुझसे मिलने, पापा ने मुझे बताया था कि DM ने पापा को धमकी दी है। अगर इस बारे में आपको तहरीर दी गई थी DM ने जो धमकी दी है, ऐसा DM तो सस्पेंड कर देना चाहिए जिला अधिकारी होके लड़की के पेरेंट्स को धमकाता है जबकि उसे खुद पता है लड़की एक खुद वकील है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया था। अब अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे का अगला कदम क्या होगा? मेरे पास सबूत होते हुए भी अगर मुझे न्याय मिलेगा, न्याय अगर नहीं मिला सबूत होने के बावजूद तो सब बेकार है, पूरा प्रशासन बेकार है, कोई किसी काम का नहीं है। क्या कदम होगा अगला मैं बाद में बताऊंगा। स्वामी चिन्मयानंद ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि मामले की जांच चल रही है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट ने अब तक जो डायरेक्टिव दिए हैं उस डायरेक्टिव से हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, और मुझे विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी SIT की जांच में सबके सामने आ जाएगा और मेरी छवि को कलंकित और प्रभावित करने की जो कोशिश की गई है उसमें लोगों को धक्का मिलेगा, जवाब मिलेगा।
दुख इस बात का है कि जब हम ला कॉलेज को LLM देने की कोशिश में नेक परीक्षण करवा रहे थे तो भी इसी कॉलेज के कुछ लोग थे जिन्होंने उस समय हंगामा खड़ा करके नेक टीम को प्रभावित करने की कोशिश की थी, और जो नेक ए देने जा रही थी एक कैटेगरी, वो बी देकर चली गई थी, और नोट लिखा था कि कॉलेज के बच्चे अनुशासित थे। आज जब हम विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहे थे, सारी तैयारियां हमारी पूरी हो रही हैं, और कल दो चार दिन के अंदर ही प्रदेश के वित्त मंत्री से मेरी बात भी हो गई थी, मैंने कहा था आपके साथ चलकर मुख्यमंत्री को हम वो प्रस्ताव देते हैं विश्वविद्यालय बनाने की, वो तारीख तय होनी थी, तो अचानक ये मामला उछाल करके उस योजना को रोकने की कोशिश की गई। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो जिले की प्रगति में, जिले के शैक्षिक उन्नति में, जिले के पीढ़ी के विकास में बाधा डाल रहे हैं और घिनौना तरीका अपना कर रहे हैं। इसलिए मुझे खेद है इस बात का, मैं क्षमा करें आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन मामला दो है, पहला सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है, दूसरा SIT का गठन हो चुका है, इसलिए कोई बात प्रेस को कहकर हम SIT का रास्ता नहीं रोकना चाहते और सुनवाई को प्रभावित नहीं करना चाहते। धन्यवाद। जय श्री राम।